सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि, हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ हाँ, वो घिसे पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी, आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो, ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश, कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिरजू एक गरीब किसान है। मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश, सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है, एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया, उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देख कर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता, लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा।
दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखा पर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गाँव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है, उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश, तुम्हें ये चमत्कारी चीज कहां से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया, और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि, ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी, सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं, और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से
मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटका कर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी, क्यों ना आप ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप और मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है, एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि किस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो। जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। पूरे देश में माइक नाम का एक लड़का एक सरकारी अनाथालय में रहता था। अनाथालय की मैनेजर मैडम जूली एक कठोर और निर्दयी महिला थी। सारे लड़के और लड़कियां लाइन में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर मचाया या खाना पानी की जल्दी की तो इसी चमचे से उसकी पिटाई करूंगी। जूली अनाथालय में रहने वाले लड़के और लड़कियों को सिर्फ एक चमचा दाल और दो रोटियां देती थी। डर के मारे कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब माइक अपनी दाल की कटोरी लेकर टेबल पर जा रहा था तो कटोरी उसके हाथ से छूटकर गिर गई।
सारी दाल धरती पर फैल गई। माइक खाली कटोरी लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। आंटी जी, मेरी दाल गिर गई, मुझे दाल दोबारा दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और दोबारा दाल मांगने आ गया। तुझे दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदी करने की सजा जरूर मिलेगी। रात को जब भयानक ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ पड़ रही थी, तो मैनेजर जूली ने माइक को अनाथालय के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में ठिठुरेगा तो दाल गिराना भूल जाएगा। इतना कहकर जूली ने दरवाजा बंद कर लिया। माइक भयानक ठंड से सिकुड़ने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है, तो वो चुपके से एक रजाई माइक को देने अनाथालय के बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैनेजर जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तू बहुत दयालु और परोपकारी बन रही है। अंदर चल, 3 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर पाई। माइक बाहर सड़क पर भटकते हुए कोई छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने देखा कि रोड किनारे एक कुत्ता अपने मुंह से कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से थोड़ी जमीन खोदी, तो उसे जमीन के अंदर एक रजाई मिल गई। इससे काम बन जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर लेट गया और कुत्ते को भी उसने अपनी रजाई में लेटा लिया। माइक को गर्म रजाई में अच्छी नींद आई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो मैनेजर जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत सो लिया, अब चल अनाथालय में। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत अच्छी लग रही है, ये इस गधे को कहाँ से मिल गई? उस रात मैनेजर माइक की रजाई खुद ओढ़कर सोई। उसे एक सपना आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आँख खुल गई। कितना बेकार सपना था। ओह माय गॉड, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई, एक कुत्ता भौंकता हुआ आया और उसने जूली के पैर में काट खाया। जूली को डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़े। एक तो इतना घटिया सपना आया और फिर वो सच भी हो गया। जूली अगली रात फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे सपना आया कि वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। जूली की आँख खुल गई। आज मैं फिर लेट उठी हूँ और मैंने फिर एक बुरा सपना देखा है। जूली उस दिन बहुत ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो फर्स्ट फ्लोर पर बुक साफ कर रही थी, तो नीचे उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त आ गई। जूली बहुत खुशी में नीचे उतरी और सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। इस बार जूली के माथे पर चोट लगी। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पैर में भी पट्टी बंधी है और अब सिर में भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 बुरे सपने आए और दोनों ही सच हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो, तुमने क्या कोई नया काम किया है? नया काम? नहीं, नया काम तो नहीं किया। हाँ हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू की है जिसे मैंने अनाथालय के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे देना, मैं ओढ़ कर देखती हूँ। जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसे रात में सपना आया कि उसकी नाक सूज कर मोटी हो गई है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर नाश्ता करने जा रही थी, तो बाहर से एक मधुमक्खी आ गई और उसने नाक पर काट लिया। नाक सूज कर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे सपने में थी। इस रजाई को ओढ़कर जो भी बुरा सपना आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई के कारण ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की नॉर्मल रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये ले अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बहुत खुश हुआ।
रात में माइक ने सपना देखा कि अनाथालय के सभी लड़के और लड़कियां आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा सपना था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी है। काश ये सपना सच हो जाता। उस दिन अनाथालय में बाहर से एक अमीर दंपत्ति आया और उसने अनाथालय के सभी लड़कों और लड़कियों को पेस्ट्री और आइसक्रीम बांटी। ये तो कमाल ही हो गया। मैंने जो सपना देखा वो सच हो गया। कहीं ये उस रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल ये रजाई मैं ओढ़ कर देखूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं सपना देखूँ कि मैंने जर्जुली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई दयालु और प्रेम से भरी हुई नई मैनेजर आ गई है। मैनेजर जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों उस रजाई के द्वारा सपना देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपना सच नहीं होने दूंगी। मैनेजर ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। ओह माय गॉड, ये रजाई तो किसी भी तरह नहीं फट रही है, इसे मैं कूड़े वाले को दे दूंगी। माइक और मारिया छिपकर मैनेजर की बातें सुन रहे थे। अगले दिन जूली ने जादुई रजाई कूड़ा उठाने वाले को दे दी। जब जूली अनाथालय में चली गई, तो माइक और मारिया छिपकर कूड़े वाले के पास पहुंचे। मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कूड़े वाले से कहा, सुनो तुम ये पेस्ट्री और आइसक्रीम ले लो, लेकिन वो रजाई हमें दे दो जो तुम्हें मैनेजर देकर गई है। कूड़ा उठाने वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का सपना आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। तुम्हें सोने से पहले लगातार सोचना होगा कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई दयालु मैनेजर आ गई है। मारिया सोने से एक घंटे पहले लगातार यही बात सोचती रही। आखिरकार रात को उसे वही सपना आया कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई नई मैनेजर आ गई है। अगले दिन अनाथालय में एक सरकारी अधिकारी आया। मैनेजर जूली, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब आप रिटायर्ड हैं। ये कैसे हो सकता है, मैं अभी सिर्फ 40 साल की हूँ। सरकार ने नियम बदल दिए हैं, इसलिए अब आपको रिटायर होना ही पड़ेगा। मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली जाती है और जो नई मैनेजर अनाथालय में आई वो प्रेम से भरी और दयालु थी। इस तरह जादुई रजाई के द्वारा अनाथालय के लड़के और लड़कियों को एक नया जीवन मिल गया। मुरारीपुर नाम का एक गांव था जहां गिरिधर नाम का एक किसान रहता था। गिरिधर ने रमा से दूसरी शादी की थी, लेकिन गिरिधर की बेटी नैना अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर में बाहर से खाना खरीदना और मुझे पहुँचाने आ जाना। नैना, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर दिया है, ये लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सड़े हुए हाथों का खाना, मुझे बस अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद था। बेटा, ये भी तुम्हारी माँ है, टिफिन ले जाओ। मैं इन्हें अपनी माँ कभी नहीं मानूंगी। इस तरह नैना अक्सर बिना लंच लिए ही स्कूल चली जाया करती थी। रमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि वह एक अच्छी माँ बन सके। वह नैना के कपड़े धोती, उसका कमरा साफ करती, उसके कपड़ों पर प्रेस करती, लेकिन कोई भी चीज नैना को खुश करने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन रमा ने नैना के बेड पर सूट पड़ा देखा। रमा ने सोचा कि सूट गंदा है, इसलिए उसने उसे वॉशिंग पाउडर में भिगो दिया। कुछ देर बाद नैना अपने कमरे में पहुंची और सूट ढूंढने लगी। मेरा सूट कहाँ चला गया, यही बेड पर तो रखा था। नैना गुस्से में अपने कमरे से बाहर गई और रमा से बोली,
ए रमा नौकरानी, मेरा सूट कहाँ है? मुझे लगा वो धुलने के लिए है, इसलिए वो सूट मैंने भिगो दिया। नैना की आंखों में खून उतर आया। अब मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? आज के बाद तुम मेरे रूम में घुसी तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। गिरिधर जब नैना को रमा से इस तरह की बातें कहते सुनता तो उसे बहुत दुख होता। गिरिधर ने दूसरी शादी यह सोचकर की थी कि रमा के आने पर नैना अकेली नहीं रहेगी और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरिधर अब और ज्यादा परेशान रहने लगा। मुझे माफ कर देना रमा, तुम यहाँ कितना अपमान सहती हो फिर भी कुछ नहीं कहती। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन नैना जरूर बदलेगी, और वो चाहे मुझे कितनी भी नफरत दे लेकिन मैं उसे हमेशा प्यार देना जारी रखूंगी। एक दिन नैना गिरिधर से बोली, पापा मेरे स्कूल में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, मैंने पेंटिंग का सारा सामान एक पर्चे पर लिख दिया है, इसे ले आना। हाँ बेटा, मैं आज ही सारा सामान ला दूंगा। नैना जब पेंटिंग बना रही थी तो रमा ने उससे पूछा, नैना क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, पेंटिंग जैसी चीज तुम जैसे गवार लोगों के लिए नहीं है। अब क्या मैं तुम्हारा एक कैनवस ले सकती हूँ? ओहो, फिर मेरा सिर खा रही हो। एक पुराना कैनवस मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया है, तुम्हें पेंटिंग बनानी है तो उस पर बनाओ, और रंग भी पुराने वाले ले लो अलमारी से, नए रंग मैं तुम्हें खराब नहीं करने दे सकती। दिन रात मेहनत करने के बाद नैना ने अपनी पेंटिंग बनाई। कॉम्पिटिशन के ठीक पहली वाली रात को जब नैना अपनी पेंटिंग पर अपना नाम लिख रही थी तो धोखे से उसका हाथ रंग के डिब्बे पर लग गया। सारा रंग पेंटिंग पर फैल गया और पेंटिंग खराब हो गई। नैना रोने लगी, उसकी कई दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। नैना की रोने की आवाज सुनकर गिरिधर और रमा नैना के रूम में पहुंचे। क्या हुआ बेटी? पापा, धोखे से रंग का डिब्बा पेंटिंग पर गिर गया, मेरी सारी पेंटिंग खराब हो गई। कल सुबह ही कॉम्पिटिशन है। अब एक मिनट रुको नैना। रमा बाहर गई और एक सुंदर पेंटिंग उठा कर लाई। नैना रमा की पेंटिंग देख कर चौंक गई। क्या ये आपने बनाई है? हाँ, पुराने रंगों का इस्तेमाल करके कोई इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है? मैंने चित्रकारी अपने पापा से सीखी थी। तुम इस पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख दो और कॉम्पिटिशन में इसे ही ले जाओ। नैना रमा की पेंटिंग पर अपना नाम लिखकर कॉम्पिटिशन में गई और उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता। नैना उस दिन जब घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया और ना ही तमीज से बात की, और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। कोई बात नहीं नैना, छोटों से गलतियाँ हो जाती हैं, बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। उस दिन के बाद से नैना अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहने लगी।